हाय गाइज, आज के टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि ओला कैब जो मोबाइल ऐप है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो गया हम लोग के लिए। स्पेशली बात करते हैं हम लोग जो जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए ओला कैब इतना इम्पोर्टेंट ऐप क्यों बन गया, और अभी के टाइम में हर जगह ओला 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 क्यों हल्ला हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओला कैब के बारे में, और इस ओला ऐप में देखें कि क्या क्या न्यू अपडेट आया हुआ है और कस्टमर के लिए क्या क्या ये ओला ऐप प्रोवाइड करवा रही है। तो देखिए, पहले हम लोग बात करते हैं कि यार ये ऐप स्पेशली शहर में क्यों इतना फेमस हुआ। देखिए, बात ये है कि अभी के टाइम में शहर में देखते हैं कि ये इतना ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो गया है, जो अगर मंडे टू सैटरडे बात करें तो यार बस में जाने के लिए यार खड़े खड़े जाना पड़ता है हर जगह। और दूसरी बात है कि अगर आपको शहर अगर आप शहर में रह रहे हैं और कहीं घूमना है आपको, तो वहाँ तक बस पहुँचती है, लेकिन बस पहुँचने से तक में आपको 4-5 बस चेंज करनी पड़ती है। तो यार ओला कैब एक ऐसा फैसिलिटी दिया हुआ है ओला ऐप, जो आपको यहाँ से बुक करने पर, जहाँ से आपको बुक करना है, बुक करने बाद आपको डेस्टिनेशन तक डायरेक्टली पहुँचा देती है, आपको कोई भी गाड़ी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज जानने वाले हैं हम लोग कि इस वीडियो में कि कैसे हम लोग ओला ऐप को यूज़ करते हैं और उसमें क्या क्या अपडेट वर्जन आया हुआ है 2020 में, और इस ऐप को हम लोग किस माध्यम से कैसे हम लोग बुक करते हैं, उसमें क्या क्या फैसिलिटी दिया हुआ है। तो हाय गाइस, मैं नीलकंठ पवार, आप देख रहे हैं क्लिक टू कोड यूट्यूब चैनल। अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में दिया रहेगा बेल आइकन, उसको प्रेस करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखिए, हमारे सामने आती है ये ऐप, और इस ऐप में देखिए ये ओला कैब ऐप का ये पहला इंटरफेस है जो कि अपडेटेड है। और इसमें क्या है कि आपको अगर कहीं जाना है तो अगर आपने कभी ये ऐप यूज़ की है तो यहाँ देखिए सर्च डिस्टेंशन में यहाँ आपका हिस्ट्री शो कर देगा, लेकिन अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने मिलेगा। इस इंटरफेस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ आता है पेमेंट। पेमेंट में देखिए यहाँ अगर आपका अगर आप पहले से ही ओला ऐप यूज़ कर रहे हैं तो शायद आपको पता होगा, लेकिन इस अपडेट वर्जन में कुछ न्यू फैसिलिटी आई हुई है। इसमें क्या है कि यहाँ ओला मनी पोस्टपेड दिया हुआ है। यार ये ओला मनी पोस्टपेड क्या है, सो क्लिक करते हैं अगर हम लोग तो देखिए आपके सामने ही ओला है, जिस तरह आज हम लोग जानते हैं फ्लिपकार्ट पोस्टपेड, पेटीएम पोस्टपेड, इस तरह का बहुत सारे निकला, लेकिन ओला पोस्टपेड निकला है जिसमें आपको 500 रुपये का देगा पोस्टपेड मनी, जिसको आप 15 दिन के अंदर ही इसको आप चुका सकते हैं। मतलब कि अगर सपोज कि अगर मैंने आज ओला कैब से राइड किया और मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने इसको पोस्टपेड द्वारा दे दिया, तो आप 15 दिन के अंदर ओला पोस्टपेड में आप अपना जो अपने जो आपका राइड का फेयर था उसको आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। ये था ओला पोस्टपेड का। अगर आप चाहते हैं कि यार ओला में अपना डॉक्यूमेंट KYC कम्प्लीट करने के लिए, ओला मनी यूज़ करने के लिए, तो देखिए यहाँ डू KYC मनी पर आप क्लिक कीजिएगा। जब हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ आपको देखिए यहाँ मांगता है कंप्लीट फुल KYC। तो उसमें क्या है ना कि अगर आप इसको क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने देखिए न्यू इंटरफेस आएगा, और इसमें 3 सिंपल स्टेप में आपका फुल KYC हो जाएगा। पहला दिया हुआ है एंटर पैन कार्ड डिटेल, दूसरा अपलोड ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पासपोर्ट, और तीसरा क्लिक सेल्फी। मतलब कि जो पैन कार्ड डिटेल है वो आपको देना पड़ेगा एज ए आइडेंटिटी पर्पस, और जो वोटर आईडी है वो एड्रेस लेता है, और तीसरा जो दिया हुआ है क्लिक सेल्फी ये आपकी फ़ोटो लेगा। तो अभी मैं इसको KYC नहीं करूँगा, जिस टाइम मैं KYC करूँगा मैं आपको जरूर बताऊँगा इस वीडियो माध्यम से। अब चलिए इसमें नेक्स्ट में जानते हैं कि यार अगर हमको ओला वैलेट में मनी नहीं है तो यहाँ से आप यहाँ इस मनी को यहाँ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन देखिए ये हमेशा बोलता है कि यार मनी ऐड करने के लिए आपको पहला फुल KYC कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो जिस टाइम मैं इसको करूँगा फुल KYC कम्प्लीट, उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कैसे फुल KYC कम्प्लीट होती है। लेकिन दूसरी बात करते हैं यार ओला पास क्या है। यार इस ऐप में एक न्यू अपडेट आया हुआ है ओला पास। अब ओला पास क्या है, सो क्लिक करते हैं, देखिए ओला पास क्या है। स्पेशली ये सब ये जो दिया हुआ ओला पास ये स्पेशली शहरों में रहता है। इसमें क्या है कि जिस तरह आप जानते हैं कि अगर आपको रोज़ाना कहीं जाना पड़ता है तो ट्रेन से या फिर बस से, तो आपको मंथली पास बनता है जिसमें आपको कम फेयर लगता है। तो इसी तरह देखिए ओला का निकला हुआ पास जिसमें आपको डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। अगर आप हैदराबाद से हैं तो यहाँ देखिए 6 किलोमीटर का पास चाहिए, या फिर 10 किलोमीटर का पास चाहिए, या फिर 15 किलोमीटर का पास चाहिए। हैदराबाद में स्पेशली 15 किलोमीटर का पास है, और दिल्ली सब में 18, 20, 22 इस तरह का पास बनाया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ क्लियरली पास के बारे में आप जान सकते हैं कि कितना रुपया लगता है पास में और कौन सी में। यहाँ देखिए पास में फेयर दिया हुआ है 129 रुपया, 129 रुपया, 165 रुपया। तो माइक्रो जो कैब है उसमें 129 रुपये लगेगा, माइक्रो मिनी जो है उसमें भी लगेगा 129, और प्राइम जो कैब है उसमें लगेगा आपको इतना। तो यहाँ देखिए दिखा हुआ है अनलिमिटेड राइड पास, स्पेशल प्राइस दिया हुआ है यहाँ कितना दिया हुआ है 49 रुपये। मतलब कि अगर आप फर्स्ट टाइम बनाते हैं ओला पास तो आपको 49 रुपये में मिल जाएगा, जबकि इसकी प्राइस 300 रुपये है। तो यहाँ से आप इसको पास कर सकते हैं, पास बना सकते हैं अगर आपके अगर आप इस जैसे शहरों में रहते हैं तो। दूसरा बात करते हैं ओला शेयर पास का। मतलब कि ये जो शेयर पास है इसमें क्या है कि यहाँ आप अपने
पास को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं वन फेयर में, एक ही रुपये मतलब कि किसी को आप दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए बाय न्यू पास क्लिक करेंगे हम लोग तो यहाँ आपके सामने फिर से वही आएगा, मतलब जो आपने पास अभी आपने सीखा ओला पास के बारे में, तो ओला पास यहाँ जो है यहाँ आपको उसको खरीदना पड़ेगा यहीं से। तो यहाँ देखिए दिया हुआ रेंज 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। अब ये जो पास आपको आपको मिल जाएगा ना, तब आपको यहाँ आपको नेक्स्ट मंथ कोई भी ओला राइड में जो रहता है शेयरिंग कैब, उसमें आप पास के द्वारा आप वहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर चाहते हैं बाय करना बाय कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से रजिस्टर भी कर सकते हैं अपने ऐप द्वारा। तो ये था ओला से। अब बात करते हैं यार ओला मनी का। ओला मनी आपने देखा कि यार इतना रुपये देता है, लेकिन इसमें आपको ये जो पोस्टपेड मनी है पहले नहीं था, अब आ चुका है। तो ओला मनी बारे में यहाँ कुछ खास नहीं है यार, जब आपको आप जब पोस्टपेड यूज़ कीजिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या और कैसे यूज़ करते हैं इसको। आप देखते हैं यार कि इस न्यू ऐप में हम लोग फर्स्ट राइड करते कैसे हैं। जैसे कि आपका देखिए ऊपर का जो होता है लोकेशन, वहाँ आपको ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है आपका लोकेशन, और यहाँ आपको सर्च करना पड़ेगा। तो जैसे हमको जाना है एग्जाम्पल में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ आपके सामने इंटरफेस इस तरह आएगा, और यहाँ क्लियरली यहाँ मेंशन रहेगा कि आपको किससे जाना है। पहला दिया हुआ है बुक एनी जो न्यू में आया हुआ है, और प्रैम सेडन गाड़ी का जो कैटेगरी है। दूसरा दिया प्रैम प्ले। तीसरा फिर देखिए मोर अवेलेबल दिया हुआ है प्रैम एसयूवी, प्रैम एक्स मिनी, ऑटो, बाइक, शेयर, आवरली, माइक्रो। तो किससे जाना है, तो अगर हमको जाना है बाइक से, क्लिक किया बाइक, ठीक है। और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ देखिए यहाँ कुछ फैसिलिटी दी हुई जो शायद सबके पास नहीं होती है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ सो पहला ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा आपका कि ओला पोस्टपेड मनी से आपको पे करना है, क्योंकि अभी के टाइम में यार हर लोगों के पास पेटीएम, गूगल पे इस तरह का आया है, फोन पे। तो यार उसमें क्या है कि ओला कैब जो पहला दिया है पोस्टपेड सर्विस, उसमें आप 15 दिन के बाद इसको आप पे कर सकते हैं। तो अगर आपका मन है तो यार यहाँ पोस्टपेड डिफ़ॉल्ट रखें, या फिर ओला मनी क्लिक करें, या फिर गूगल पे क्लिक करें, या फिर कैश क्लिक करें, जो आपकी मर्ज़ी वहाँ कर सकते हैं। लेकिन इस राइड को करने से पहले यहाँ देखिए कुछ फैसिलिटी दी हुई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ जैसे मैं कैंसिल करता हूँ इसको, तो देखिए यहाँ ऊपर में दिया हुआ कॉरपोरेट राइड, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ आपके सामने कुछ रीज़न आएंगे क्या क्या है। सो यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है कि कॉरपोरेट राइड किस पर्पज़ के लिए, एयरपोर्ट जाने के लिए, या फिर स्टेशन जाने के लिए, या कस्टमर या पार्टनरशिप, लेट नाइट राइड के लिए, मार्केट के लिए, या फिर ऑफिस टू होम या ऑफिस टू होटल, जो जाना है यहाँ से आप कॉरपोरेट राइड को चूज करके आप इसको इनेबल कर दीजिएगा, तो ये बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि ये पर्सनल और कॉरपोरेट में अंतर यही है कि वहाँ एक चीज़ दिखाता है क्लियरली कि जो आदमी राइड करने वाला है वो किस चीज़ के लिए राइड जा रहा है और किस पर्पज़ के लिए वहाँ जाने वाला है। तो उससे बेटर रहता है कि आप इस चीज़ को ऐड ज़रूर करें। अब यहाँ आती है सबसे बड़ी बात कि यार जो हम लोग पास बनाते हैं, ठीक है, जो हम लोग पास बनाते हैं, तो पास में टर्म्स एंड कंडीशन तो आपको पता नहीं होगा, तो आप एक बार देख लीजिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है, कहाँ गया ओला पास, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है जिसे मैंने देखा था। टर्म्स एंड कंडीशन अभी तो फ़िलहाल मिलने का उम्मीद नहीं है। जैसे देखिए मैं एक दिखाता हूँ आपको सिंपल सा, अबाउट में जाके, अबाउट में नहीं, यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि अगर आप स्पेशली स्टेशन या फिर एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं ओला पास से, तो आपके लिए वो पास वैलिड नहीं रहेगा। तो बेटर रहेगा यार उस तरह का पास आप सिर्फ डेली लाइफ यूज के लिए यूज करें, और मैं चाहता हूँ कि यार आप इस तरह का पास जरूर यूज करें, कारण कि यार ये बहुत बढ़िया चीज़ है यार। अभी के टाइम में लोग बस में धक्का मुक्के करते हैं और खड़े खड़े जाते हैं कहीं भी, तो यार बेटर है कि यार ओला शेयर या ओला पास या ओला कैब से ऐप से बुक कीजिए, और बहुत ही कम रुपया में आप जा सकते हैं। यार ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत बार इसमें गया हूँ, इसलिए मुझे पता है कि क्या है नहीं है। तो आप ये बताइए कमेंट करके कि आपको ये ऐप यूज़ करके कैसा लगा, और अगर आप पहले से ऐप यूज़ करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं। और दोस्तों एक बात बता दूं कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इस तरह का वीडियो, तो वीडियो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास इस तरह का वीडियो रोजाना मिलते रहे और आपके पास बहुत सारे ढेर सारे नॉलेज आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।